नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 अगस्त 2021 की आपकी राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी अष्टमी बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप उस सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आए दोस्तों, से के साथ बात करते हैं यशमय ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यशमय आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यशमय आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, दिन सोमवार का दिन रहेगा, शुक्र पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और इस दिन अनुराधा नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, दिन योग की बात करें तो इंद्र नाम का शुभ योग रात्रि के प्रातःकाल 2:56 रहेगा, उसके उपरांत ही वैधृति नामक योग प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों, इस दिन राहु कल के समय की बात की अर्थात अशुभ समय की, यह समय आपको भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा सुबह के 7:43 से लेकर सुबह के 9:19 तक और दोस्तों चंद्रमा दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। दोस्तों, यकीन और दुआ नजर नहीं आते मगर नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। दोस्तों, नसीहतें और दुआएं कभी नहीं बदलती परंतु देने वाले लोग और उसकी जो तरीके बदल जाते हैं। दुनिया में सबसे अच्छी दो ही जगह है, या तो किसी के दिल में या फिर किसी के दुआओं में। दोस्तों, आंसू न होते तो आंख इतनी खूबसूरत न होती, दर्द न होता तो खुशियों की कीमत न होती। पूरी करता रब यूं सबकी मुरादें तो इबादत की कभी जरूरत न होती। दोस्तों, प्रार्थना ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं लाती, यह तो उस व्यक्ति को परिवर्तित करती है जो सच्चे दिल से प्रार्थना करता है। दोस्तों, ये भी एक दुआ है खुदा से, किसी का दिल ना टूटे मेरी वजह से। एक खुदा कर दे कुछ ऐसी इनायत मुझ पे कि खुशियां ही मिले सबको मेरी वजह से। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। धैनी राशिफल। दोस्तों, इसमें आपके आत्मविश्वास की सक्षम आपके प्रतिद्वंदी प्रास्त रहेंगे। बच्चों को प्रतियोगिता संबंधी कार्य में भी अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों, किसी राजनीतिक गतिविधि से जुड़े व्यक्ति की मदद आपके लिए इसमें फायदेमंद साबित होने वाले है। इसके उपरांत दोस्तों, इसमें अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, आलस व फिर सुस्ती हावी होने की वजह से कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि दोस्तों इनकी वजह से आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी अत्यंत ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उनकी समस्या यश में बढ़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों, आपके मूड में आ रहे बदलाव की वजह से आपको छोटी तकलीफ से भी बड़ी नजर आ रही है। दोस्तों, नकारात्मक विचार अधिक रहने की वजह से आप खुद को और दूसरों को भी तकलीफ दे रहे हैं। पैसे संबंधित चिंता आपकी गलती की वजह से बढ़ेगी। किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी आपके बर्ताव के कारण हो सकती है, तो दोस्तों इस बात का भी यश में ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों, आपके लिए शुभ होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों, यश में ग्रह स्थिति काफी संतोषजनक है। जो लोग आपके खिलाफ थे यश में, वही आपके पक्ष में आएंगे और संबंधों में भी काफी हद तक सुधार होगा। यश में सभी कार्य शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते जाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों, अगर किसी के साथ कोई जो है वायदा किया है तो दोस्तों, यश में उसे अवश्य पूरा करें, नहीं तो दोस्तों समाज में आपकी छवि बिगड़ सकती है। कुछ लाभदायक मौके भी यश में आपके हाथ से निकलने की आशंका लग रही है। दिखावे की प्रवृत्ति से यश में आप दूर रहें, ये आपके लिए और आपके दिनचर्या के लिए यश में बेहतर रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि जीवन संबंधी सभी बातों में यश में आपको संतुलन महसूस हो सकता है। दोस्तों, यश में आपका सकारात्मक तरीके से आप जो भी वक्त बिताएंगे, भले ही यश में आप बड़ी प्रगति ना देख पाए, फिर भी दोस्तों मन जो है आपका यश में आनंदित रहने वाला है। दोस्तों, किसी व्यक्ति या फिर मित्र की अचानक से मुलाकात होना आपको यश में आनंद दिला सकता है।
इसके उपरांत ही दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों कुछ समय बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के बीच भी अवश्य व्यतीत करें। दोस्तों उनके अनुभवों को आत्मसात करना आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत भी करा सकते हैं। दोस्तों यश में बसों की तरफ से भी संतोषजनक समाचार मिल सकते हैं, जिनसे आपका मन भी यश में प्रसन्न रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में हल्की बल्कि जो है परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों इनके बावजूद आप जो है अधूरे काम को यश में संपन्न कर पाएंगे। सिर्फ दोस्तों तनाव को जो है आपको अपने ऊपर हावी न होने देना है। और दोस्तों पारिवारिक व्यक्तियों का उचित सहयोग भी इसमें आपको चिंता मुक्त रखेगा। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि खुद के द्वारा लिए गए निर्णय को दूसरों को बता पाना या फिर दूसरों के द्वारा हो रही तकलीफ के योग मार्ग से प्रकट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। दोस्तों जिसकी वजह से जो है मानसिक तनाव बना रहेगा। दोस्तों किस व्यक्ति पर आपको विश्वास रखना चाहिए ये तय करना यश में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए दोस्तों यश में आप हो सके तो किसी पर ही विश्वास ना करें, खुद पर ही विश्वास करके अपने कार्यों पर जो है कार्य करें। आपको बता दें कि दोस्तों प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी कार्य को करने के लिए जो समय होंगे उत्तम समय होंगे। दोस्तों किसी महत्वपूर्ण यात्रा संबंधी इनके योग भी बन रहे हैं, परंतु दोस्तों यात्रा करते समय सुरक्षा का भी आपको ध्यान रखना अति आवश्यक होंगे। दोस्तों किसी बच्चे की प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा में भी सफलता मिलने से घर का जो माहौल होगा खुशी भरा माहौल रहने वाले हैं। ध्यान रखें दोस्तों यश में किसी अन्य व्यक्ति की वजह से आपके घर में सुख शांति भी भंग हो सकती है। इसलिए दोस्तों घर के सदस्य जो है आपस में ही मिलजुल कर घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों पड़ोसियों के साथ किसी मतभेद से बचने के लिए जो है औपचारिक व्यवहार ही रखना आपके लिए यश में ठीक रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अविवाहित लोगों के लिए यश में कुछ खास समय रह सकते हैं। विवाह के बारे में जो भी लिए गए प्रयत्न हैं आपको अचानक ही यश की प्राप्ति होगी। यदि आप जो है रिलेशनशिप में हैं तो दोस्तों आपके रिलेशनशिप परिवार द्वारा मंजूरी मिलने की वजह से आपको इसमें आनंद की प्राप्ति होगी। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे। आपके करियर की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें जो है महिलाओं की वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय में फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर या फिर डील होने की संभावना इसमें बन रही है। पेमेंट संबंधी लेन देन करते समय सावधानी बरतें। यह समय आपको जो है अपने व्यवसाय की एडवर्टाइजमेंट करने से फायदे भी हो सकते हैं। दोस्तों हो सके तो इन पर भी अगर आपका बजट है तो इन पर भी आप ध्यान इसमें दे सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे। आपको बता दें कि इसमें आपकी आर्थिक स्थिति जो है समान ही रहेगी। अचानक ही कोई बड़ा खर्चा सामने आ जाने से आपको जो है व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ रुकावटें भी आएंगी। इसमें दोस्तों कर्ज लेने की स्थिति भी बन रही है। दोस्तों इसमें आपके लिए समझेंगे, परंतु आप अपनी क्षमता के अनुसार पैसे उधार लेना आपके लिए उचित रहेगा। तो दोस्तों आप जितना हो सके उतना ही पैसे को उधार लें। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे। वर्तमान समय की वजह से अपने काम करने की प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की जरूरत होगी। दोस्तों अपने संपर्क सूत्र तथा मार्केटिंग संबंधी कार्यों को मजबूत करने में ज़्यादा ऊर्जा लगाएं। यश में किसी भी नए काम में रिस्क ना लें, ये आपके यश में व्यवसाय के लिए बेहतर होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि किसी बड़ी कंपनी के साथ व्यवसायिक रूप से जुड़ने की जो नीति है यश में कामयाब रहेगी और सफलता भी यश में आपको प्राप्त होगी। दोस्तों अपना टारगेट पूरा करने से आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक बेहतर होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों में आप अगर आपकी लव लाइफ की अगर बात करें तो दोस्तों जीवन साथी का सहयोग आपके भाग्य को और अधिक मजबूत बनाएगा। दोस्तों यश में परंतु यश में आपको भी अपने स्वभाव में और अधिक सकारात्मकता लाने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इन पर भी आप ध्यान दें, ये आपके लिए आवश्यक होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे। दोस्तों पारिवारिक वातावरण इस समय सुखद रहेगा। बच्चों की तरफ से कोई संतोषजनक स्थिति रहने से आपको सुकून की भी प्राप्ति होगी। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और दोस्तों यश में पुराने दोस्तों से ज़्यादा मेल मिलाप रखना आपके लिए आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ परेशानियां भी उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों इसलिए इनसे आपको सावधान रहने की यह समय जरूरत होगी। और इसके उपरांत आपके लव लाइफ के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि प्रेम प्रसंगों में यश में नजदीकियाँ भी आने वाली है, परंतु विवाहतर संबंधों से यश में दूर रहें।
अन्यथा आपकी ही मान हानि हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों थकान की वजह से इसमें सर्वाइकल या फिर कंधों में बदन में आपका दर्द हो सकता है, इसकी स्थिति बन रही है। पौष्टिक खान पान या फिर उचित आराम लेना आपके लिए इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगी। तो दोस्तों काम के साथ साथ जो है आप आराम भी जरूर करें। इसको उपरांत इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होगी तो आपको बता दें कि त्वचा से संबंधित कोई एलर्जी की समस्या जो है जिसको है वह समस्या इसमें बढ़ सकती है। दोस्तों ठंड भरे वातावरण से अपना बचाव करें, ये आपके लिए इसमें स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहने वाले हैं। इसको उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए समय होगी आपको बता दें कि स्वास्थ्य अंत में ठीक होगा। बशर्ते दोस्तों मानसिक तनाव से बचने के लिए आपको कुछ समय मेडिटेशन या फिर ध्यान में समय को व्यतीत करना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर रहने वाले हैं। और दोस्तों इसमें ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज के जो भी मरीज हैं वो अपना विशेष तौर पर अपना ध्यान रखें, जरा सी लापरवाही आपके स्वास्थ्य को इसमें खराब कर सकता है। और दोस्तों इसमें आपका भाग्यशाली रंग रहेगा पीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 3।